दोस्तों, क्या शिबा इनू कॉइन का प्राइस 0.01 डॉलर को हिट कर सकता है? क्या यहां पर शिबा 3 जीरो को किल करने वाला है आने वाले कुछ टाइम में? और अभी जो न्यूज आ रही है कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है जिससे हम यहां पर भरोसा कर सकते हैं कि इन फ्यूचर शिबा यहां पर 10 पैसे या फिर 1 रुपए और उसके साथ ही यहां पर एक बड़ा प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकता है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा बर्निंग इवेंट जिसकी शुरुआत शिबेरियम ने, मतलब शिबा की टीम ने कर दी है, और वो वहां पर सेकेंड बर्निंग भी करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन की, जिसको लेकर यहां पर ऑफिशियली इनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी यहां पर इसके बारे में जानकारी दे दी। हम यहां पर बात करेंगे शिबा और बोन की क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले 2 से 3 दिन इन कॉइंस के लिए, और अगर आपने यहां पर परचेस नहीं किया हुआ है तो किस लेवल पर आप यहां पर इन कॉइंस को परचेस कर सकते हैं, पास्ट में जब यहां पर 4th ऑफ दिसंबर को बर्निंग हुई थी उसका कितना इंपैक्ट यहां पर इनके प्राइजेस पर देखने को मिला था। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, 1.2 मिलियन शिबेरियम गैस फीस यहां पर कलेक्ट हो चुकी है शिबेरियम के थ्रू गैस फीस के रूप में। यहां पर जो शिबा इनू टोकन है उसे बर्न किया जाने वाला है, और अभी यहां पर जो टोकन्स कलेक्ट हुए हैं 1.2 मिलियन डॉलर के टोकन्स यहां पर कलेक्ट हो चुके हैं। जो बोन टोकन यहां पर कलेक्ट हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है उसमें भी आपको यहां पर जो अमाउंट है वो दिख जाएगा। टोटल ट्रांजेक्शन 64 मिलियन के ऊपर। टूडे की अगर हम बात करें जो ट्रांजेक्शन यहां पर एवरेज देखने को मिल रहे हैं पर डे वो 7.8 मिलियन हो रहे हैं। अभी के समय में अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो 95 मिलियन ट्रांजेक्शन आज तक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब बहुत जल्द ये आंकड़ा जो है वो 1 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। और यहाँ पर ओवरऑल एक्यूमुलेट कितने बोन टोकन्स हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1.3 मिलियन टोकन्स है जो ओवरऑल इनके द्वारा एक्यूमुलेट किए गए हैं गैस फीस के थ्रू, यहाँ पर जो यहाँ पर बोन का यूज़ किया जा रहा है गैस फीस के रूप में। तो इतने बोन टोकन यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, और कितने अमाउंट के एक्यूमुलेट हुए वो आप देख सकते हैं, 1.2 मिलियन डॉलर। और इसको लेकर एक चीज थी जो यहां पर इस यूजर ने कहा हुआ था कि यहां पर इतना जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसके थ्रू शिबा और बोन दोनों को बर्न करना चाहिए, मिलियन डॉलर के टोकन्स को यहां पर शिबा के साथ साथ बोन को भी बर्न करना चाहिए। लेकिन टीम ने, जो सितोशी कुसामा है, उन्होंने क्लियरली ये कहा हुआ है कि नो बर्न शिप, सिर्फ यहां पर शिबा इनू कॉइन बर्न होंगे, क्योंकि शिबा का सप्लाई ज्यादा है, बोन का सप्लाई ज्यादा नहीं है। इस वजह से यहां पर ये जो अमाउंट एक्यूमुलेट किया गया है बोन टोकन के रूप में उससे यहां पर शिबा को परचेस करके सिर्फ शिबा इनू कॉइन को बर्न किया जाएगा। और इनका जो मैगजीन यहां पर आया हुआ है उसमें भी इन्होंने क्लियर कर दिया, इस वीक में 3 बार शिबा इनू टोकन को बर्न किया जाएगा। कितना अमाउंट है ऑफिशियली वो अभी तक यहां पर इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन डेट होने वाली है 14th दिसंबर, कल के दिन, उसके बाद 15 और 16 दिसंबर को यहां पर बर्न किया जाएगा। और उसके साथ इन्होंने यहां पर यह भी कहा हुआ है रिकॉल करते हुए कि यहां पर जो फर्स्ट एवर बर्न हुआ था शिबेरियम के थ्रू दिसंबर 4 को 8.2 बिलियन, उससे ज्यादा अमाउंट में यहां पर इस बार जो बर्निंग है वो होने वाली है। मतलब एक्सपेक्टेड अगर हम देखें तो यहां पर 10 बिलियन टोकन से जो आने वाले 3 से 4 दिनों में बर्न होने वाले हैं। तो इसका इंपैक्ट लास्ट टाइम अगर हम देखें कितना कुछ देखने को मिला था, लेकिन उसके साथ ही यहां पर 0.01 डॉलर का जो रोड है, जो यहां पर जर्नी है, उसको लेकर ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर जो प्राइस प्रेडिक्शन है एनालिस्ट के वो काफी ज्यादा पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में यहां पर ये प्राइस हिट करेगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई को रिड्यूस किया जा रहा है। जितनी जल्दी ये रिड्यूस होगा उतना ही ज्यादा इंपैक्ट यहां पर शिबा के प्राइस पर देखने को मिलेगा। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें वो लगभग यहां पर 589 ट्रिलियन टोकन्स का है अगर हम अभी के समय में देखें। अब सीधे हम आ जाते हैं दोस्तों प्राइस की ओर, तो यहां पर शिबा का प्राइस आप देखेंगे लगभग 2% डाउन में लास्ट 24 आवर्स में, 7-8 के लेवल पर फिर से ये आ चुका है। और अगर हम यहाँ पर लास्ट 1 मंथ का चार्ट देखें जिस लेवल पर ये गया हुआ था, लगभग यहाँ पर 6 के अराउंड भी था 7 के अराउंड भी था, लेकिन यहाँ पर अगर हम 4th ऑफ दिसंबर की बात करें तो 4th ऑफ दिसंबर को इसका प्राइस था 7.4 के अराउंड, उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, और इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 6th ऑफ दिसंबर को 8.7 के लेवल को हिट करके आया, मतलब 7.4 से लगाकर 8.7 एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर इसके प्राइस में देखने को मिला, अराउंड 7.5 फिर से ये जा रहा है। यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए आपको 7.5 की सीरीज से लगभग 7.8 की सीरीज में ये मिल रहा है, तो यहाँ पर आप डीसी के थ्रू परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस बैक करके फिर से 8.0 और 8.5 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। और एक और टोकन जिस पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए जो यहाँ पर काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है अगर शिबेरियम का यूज केस बढ़ रहा है, तो वो है बोन टोकन, जो 62 रुपए के आसपास अभी फिर से ट्रेड कर रहा है। लास्ट 7 डेज में एक बड़ी रैली यहाँ पर अगर हम देखें देखने को मिल रही है वो 4th ऑफ दिसंबर के बाद ही है,
जब यहाँ पर इसका प्राइस जो था 4th of December के आसपास लगभग इसी लेवल पर था, यहाँ पर आप देखिए इसका प्राइस, उसके बाद 80 रुपीज को ये हिट करके आया हुआ है। और यहाँ पर हम इसीलिए कह रहे हैं कि बोन पर भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि शिबा तो बढ़ेगा साथ ही साथ बोन भी यहाँ पर बढ़ेगा और दोनों कॉइन्स आपको प्रॉफिट निकाल कर देंगे। जितना ज़्यादा यूजफुल यहाँ पर शिबेरियम होने वाला है उससे उतना ही इम्पैक्ट यहाँ पर इन दोनों के प्राइजेस पर देखने को मिलेगा। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाए, साइट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू।